कम बताइए, 4 अटेम्प्ट आपने दिए। हाँ जी। आपको कैसा लग रहा था जब उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कभी डिमोटिवेशन आया? किस तरीके का वो पहले अटेम्प्ट से लेकर 4 अटेम्प्ट का सफ़र हम समझना चाहेंगे? जी देखिए, फर्स्ट जो 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, तो आई फील वेरी डिमोटिवेटेड। एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एट द सेम टाइम, सो टाइम की कमी रही शायद, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया और उसकी वजह से मैं नहीं, प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। तो उसके बाद मेरे को काफ़ी ऐसा डिमोटिवेटिंग फील हुआ, आई फील कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा जॉब के साथ, तो और मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता था। उसके साथ साथ फिर मेरे फादर ने मेरे को मोटिवेट करा कि नहीं नहीं हम कर सकते हैं, अगर जज्बा है मन में और डिटर्मिनेशन है तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा तैयारी करी, दोबारा इसके लिए मेहनत करी, तो लास्ट ईयर आई गॉट 260 रैंक इन UPSC।